दिवाली से पहले आतंकी अलर्ट। आपको बता दें कि यूपी के 9 स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लश्कर ए तैयबा ने दी है स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। स्टेशनों पर बढ़ाई गई है इसको लेकर सुरक्षा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। दिवाली से पहले आतंकी अलर्ट। यूपी के 9 स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। लश्कर ए तैयबा ने दी है स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी और इसको लेकर स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किए गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाली से पहले आतंकी अलर्ट। यूपी के 9 स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें कि यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा धमकी दी गई है। दरअसल हापुड़ रेलवे स्टेशन पर डाक के द्वारा यह एक पत्र आया है। पत्र में यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। लश्कर ए तैयबा के एरिया कमांडर मोहम्मद आमिर के नाम से यह पत्र मिला है, जिसके बाद से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हापुड़, खुर्जा, फिरोजाबाद समेत आधा दर्जन रेलवे स्टेशन जिनको उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिनको कहा गया था कि 26 नवंबर को बम से उड़ा दिया जाएगा, उस पे उन तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और पुलिस टीम और एटीएस की भी टीमें इस मामले में लग चुकी हैं। मामले की पड़ताल की कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी दावा कर रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अभी भी कोई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बिल्कुल। और हिमांशु, ये धमकी उस समय आई है जब दिवाली के समय पर बड़ी भीड़ लोगों की सड़कों पर नजर आती है और बाजारों में नजर आती है। ऐसे में यहाँ पर तैयारी और सख्त करनी चाहिए प्रशासन को। किस तरह की तैयारी आप फील्ड पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से दीपावली का त्यौहार करते आ चुके हैं, दीपावली धनतेरस को देखते हुए सड़कों पे, बाजारों पे भीड़ भी काफी संख्या में मौजूद है और लोग घरों से निकल खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान ऐसा धमकी भरा पत्र मिलने से कहीं ना कहीं महकमे के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। और पत्र में 26 नवंबर को बम से रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकियां दी गई हैं, जिसके बाद से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इन स्थानों के अलावा राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर भी सक्रियता कर दी गई है। भीड़ भाड़ इलाकों में पुलिस की कड़ी नजर है। बम स्क्वाड व दस्ते के साथ पुलिस टीम पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही मामले की तह तक पहुंचने का दावा कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पत्र मिलने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है और सुरक्षा व्यवस्था के दायरे बढ़ा दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं हापुड़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एएसपी और सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। हापुड़ सहित 9 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला। लेटर में 26 नवंबर और 6 दिसंबर को स्टेशनों को उड़ाने की बात कही गई है। हापुड़ एसपी दीपक भूकर ने लेटर की जांच बैठा दी है और स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।